हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। फ्रॉम डॉक्टर गोपी चंद, मैं अभी विशाखापट्टनम वाइजाग से आप सबसे बात कर रहा हूँ। मेरी दोस्त हरिनाथ आपकी जगह मुंबई में है और उनसे ये पता चला कि जोगेश्वरी के पास अभी जो आप सब एक टेम्पररी प्रोटेक्शन शेल्टर में हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे लोग हैं, उन सबको थोड़ा डाउट है अभी जो कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है। तो हरिनाथ ने वहाँ के पुलिस और मेंबर्स से परमिशन लेके थोड़े आप सब लोग जो उनको प्रश्न पूछ रहे हैं वो मुझसे शेयर किया है। तो मैं अभी कोशिश करूँगा कि आपकी जो सवाल है जो हरिनाथ मुझे भेजा है उसके मैं थोड़ा आंसर करने की कोशिश करूँगा। मेरी हिंदी आप जैसे लोगों आप जैसी की हिंदी जैसा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं भी फिर भी समझता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ आपको ये समझ में आएगा और इसका यूज और यूज भी आपके लिए होगा। तो पहला आपकी तरह से हरनाद ने जो पूछा है कि प्रश्न है कोविड क्या है, ये कोरोना क्या है, माने कि जो जुखाम जैसा होता है, बुखार हमको सबको कभी कभी होता है जो समर बिगिनिंग में या बारिश में सूखते हैं या भीगते हैं रेदर, तो उस समय जो हमको चीखना होता है, बुखार होता है, उसी तरह का ये वायरस जो होता है उसका एक कजिन है कोविड। ये पहले चाइना के एक शहर में वुहान में स्टार्ट होकर फिर पूरी दुनिया में फैला है। कोविड एक रेस्पिरेटरी इलनेस दिक्कत देने वाली एक वायरस है। दूसरा सवाल है ये अभी ये प्रॉब्लम क्या है और हम क्यों प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये आंसर है, ये प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारे भारत देश में दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, पूना है, वाइजाग है, ऐसे चाइना में भी बहुत सारे जगह हैं, शहर हैं, उसमें से एक है वुहान। नया साल होते होते कि वुहान शहर में बहुत सारे लोगों को न्यूमोनिया हो गया है, खांसी हो गया, बुखार हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो गया, बहुत सारे लोगों को एकदम हो गया है। तो ये पता चला कि जो चमगादड़ कहते हैं बैट, जो उल्टा लगता है और रात को घूमती है, दिन में पूरा अपने केव में रहती है, उनसे उनको जो खाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाते हैं पूरे दुनिया में अपने अपने जगह पे, तो वो बैट में से होके होके कुछ लोगों को हो गया है। लेकिन दिक्कत ये हो गया है कि बैट से नहीं, जो बैट नहीं खाते हैं, जो चमगादड़ नहीं खाते हैं, उनको भी आदमी से आदमी को होना शुरू हो गया, ट्रांसफर होना। अभी तो ऐसा है कि मैं अगर किसी दूसरे शहर पे जाता हूँ तो बस में जाता हूँ या गाड़ी में जाता हूँ, कभी कार में जाता हूँ, जो भी है रेल में जाते हैं, ऐसे ही पूरे दुनिया में, क्योंकि अब लोग कम या ज्यादा ये हवाई जहाज में भी जाते हैं और शिप में भी जाते हैं, तो पूरा दुनिया का लोग एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाने आना जाना, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, देखने के लिए, टूरिस्ट के लिए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो वुहान शहर में पूरे दुनिया से जो गए थे उनको थोड़ा लोगों में हुआ, जो वापस हो गया तो दुनिया में, पूरा दुनिया में सभी देशों में थोड़ा ज्यादा पहुंच गया है। और दूसरा है कि दूसरे शहर में जो वुहान शहर से आए हैं उनको जो दोस्त लोग मिले पार्टी में, बर्थडे में, उनको भी थोड़ा लोगों को होके और ये स्प्रेड होना हो गया है। कुछ देश में ज्यादा स्प्रेड हो गया है, बहुत सारे दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे डेथ भी हो रहे हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम बन गया है। और हमारे लिए हम क्यों इसको झेल रहे हैं, तो ये तो इंडिया में तो पैदा नहीं हुआ है, ये चाइना में स्टार्ट हुआ है, तो हम क्यों अपनी पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे गांव में ऐसा अभी ऐसा चैलेंज फेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी पूरा दुनिया एक जुड़ गया है। ये अच्छा भी है, इसका एक चैलेंज भी होता है। अच्छा इसलिए कि जहां भी अच्छा काम होता है, जहां भी अच्छा कम दाम में कोई मिलता है, कोई पढ़ने के लिए होता है, तो वो हम सबके लिए अभी है। तो इसलिए क्योंकि हमारे देश में ये पैदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग बिना, उनके भी क्राइम नहीं है, उनके भी ख्वाहिश नहीं है, इरादा नहीं है कि डिसीज को फैलाएं, लेकिन उनको भी बिना पता चले ऐसा हो गया है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को पता चला कि पूरा दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा है, पूरे शहर में, बहुत सारे शहर में बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बन गया है,
तो इसलिए हमारे पूरे इंडिया में, मुंबई में, विशाखापट्टनम में, सब जगह में ऐसा बता दिया कि पूरे प्लेन को रोक दिया, पूरा ट्रेन को रोक दिया, पूरे बसेस को लॉन्ग डिस्टेंस जो जाते हैं, मैं भी नहीं जा रहा हूं बस में ट्रेन में तो नहीं है, तो मैं भी तो अपनी जगह ये कमरे में घर में बैठा हूं, तो जो जहां है वहीं रहें, तो ये फैलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वायरस के पास में तो पैर नहीं है, उनके तो पंखे नहीं है, तो फिर भी ये कैसे जाता है एक बंदे से दूसरा? एक बंदे की लंग में ये रहता है और खांसी देता है, जो दूसरे बंदा होता है अगर मेरे पास है तो मैं चीखता हूं, तो कोई बाजू में होता है तो वो अगर सांस लेता है तो उनके पास छिड़के पड़ते हैं तो वो सांस लेता है तो उनको पहुंचता है, और दूसरा अगर मैं कुछ ग्लास पी रहा हूं, कुछ खांसी किया है, अच्छी खांसी किया है, वो ग्लास क्लीन किया लेकिन थोड़ा तो रह गया, वो तुम अगर ले लेते हो तो तुमको भी हो सकता है छूने से ये सब। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बुखार है खांसी है उसी से दूसरे को जाती है, जिनको बुखार नहीं है खांसी नहीं है फिर भी उनके भीतर वायरस पहुंच गया है, लंग्स में वायरस पहुंच गया है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनको पता भी नहीं है, लेकिन उससे दूसरे को तो जा सकती है। ये 2-3 सप्ताह जैसा रिस्क हो सकती है, थोड़ा ज्यादा दिन भी हो सकते हैं, इसलिए बिना सोचे भी मेरी तरह से या कोई भी हो, एक बंदे से दूसरे, एक बच्चे से दूसरे, एक बुजुर्ग से बच्चे को, बच्चे को बुजुर्ग से, क्योंकि ये बिना जानते हुए भी स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है, तो पूरे इंडिया में, सिर्फ मुंबई में नहीं, सिर्फ जोगेश्वरी के पास नहीं, पूरे यहाँ विशाखापट्टनम में भी और बहुत सारे जगह पे पूरा इंडिया में लोगों को जहां है वहां पे रहने के लिए कहा है, इसलिए इसको नेशनल लेवल देश का लॉकडाउन कहा है, क्योंकि हमारे पास अभी इसके लिए स्पेसिफिक दवाई नहीं है। जैसे कुछ टीबी हो गया है तो टीबी का दवाई लेते हैं, कुछ टाइफाइड हो गया है टाइफाइड का दवाई लेते हैं, अच्छा बन जाते हैं फिर जाते हैं खेलते हैं, और वैक्सीन भी अभी नहीं बनी है इमीडिएटली, अभी बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, अगर दवाई आ जाता है, अगर वैक्सीन आ जाता है तो हम सब लोग फिर से खेल सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अभी कभी खेलते हो कुछ गिर गए हो, इंजरी हो गया है तो जाके डॉक्टर के पास जाके टीटी इंजेक्शन लेते हैं, फिर हम सब खेलने जाते हैं। तो पहले जमाने में जब टीटी इंजेक्शन नहीं थी, लोग बहुत घबरा जाते थे कि टेटनेस हो जाएगा तो क्या होगा, तो अभी तो हम डरते नहीं है, कोई घाव लग गया है तो जाके टीटी लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं और खेल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, खेलने में जाते हैं, काम में। तो ये वैक्सीन अगर आ जाता है तो हम सब फ्री हो जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट हम सब के लिए वैक्सीन मांग के सबको दे देगी। तब तक क्योंकि दवाई नहीं है, वैक्सीन अभी नहीं है, तो हम सब लोगों को स्प्रेड करने को रोकने की काम है, हम ये कर सकते हैं, उसके लिए ये लॉकडाउन करना है। उसमें कुछ लोग जो घर में हैं, घर में ही रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, तो पुलिस जो अभी है वो हमारे लिए काम कर रहे, हमेशा हमारे लिए काम करता है, अभी जो है हमारे लिए गाइडेंस भी देता है। तीसरी बात, वाई आर वी सिटिंग फ्रॉम फार फ्रॉम ईच अदर? सो हम बच्चे लोग हैं, सब जो भी हैं एक दूसरे नजदीक मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, खेलते हैं, अभी दूर दूर बैठे हैं। मैं तो सुन रहा हूँ कि जहां आप लोग अभी हैं तो वहां बहुत सारे पेड़ हैं, आप पेड़ के नीचे हैं, और आपको हरिनाथ और साथी लोग, नए दोस्त लोग खाना लेके दे रहे हैं। जो बहुत सारे लोग जो घर में बैठे हैं वो ऐसा चाहते हैं कि कभी पेड़ के नीचे जाके बैठें। ऐसा नहीं कि पेड़ के नीचे पूरे दिन रहना आसान की बात है, लेकिन छांव जो है हम रेगुलर एवरी डे तो ऐसा नहीं करते हैं, ये तो एक हॉलीडे जैसा, एक एक्स्ट्रा अदर जैसा है, थोड़ी दिक्कत जरूर है, लेकिन क्योंकि एक दूसरे से दूर रहना, दूर हो जाने की बात नहीं, दूर रहना, 1-2 मीटर की दूर रहें, तो अगर मैं चीखता हूं तो तुमको नहीं लगेगा, और तुम चीखते हो तो मुझे नहीं लगेगा, और मेरे पास अगर तुम पानी मांगते हो तो मैं ग्लास तुमको इमिडिएटली दे देता हूं, तो वो ग्लास तो मैंने छुआ है, और तुम भी छूते हो तो तुमको रिस्क हो जाएगा, या तुम देते हो तो दूसरे को रिस्क हो जाएगा। तो दूर रहे तो दूर हो जाने की बात नहीं, देख सकते हैं, लेकिन रिस्क कम होते हैं, हमको बुखार नहीं होगा, हमको जुकाम नहीं होगा, और हमसे किसी दूसरे को नुकसान नहीं होगा, हम सभी दोस्त लोग अच्छे बन जाएंगे, और फिर से हम सब खेल सकते हैं। और ये कब, फोर्थ क्वेश्चन है, ये कब रुकेगा ये, और घर कब जा सकते हैं? सभी लोग यही चाहते हैं कि ये रोकें, लेकिन मैं डॉक्टर हूं तो मेरे पास थोड़ा इन्फॉर्मेशन होगा पेशेंट के लिए,
पूरा विशाखापट्टनम में पूरे शहर में क्या चल रहा है मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आपकी जगह पे कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी लोकल चीफ हो, तो उनके पास भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहेगा। पूरे देश में पूरे शहर में जैसा रिस्क होता है वो तो इन्फॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर, हेल्थ ऑफिशियल्स, प्राइम मिनिस्टर, इनके पास होगा। तो वो देख रहे हैं कि क्या करें, लॉकडाउन अभी जो है कितना दिन रहे, अभी जो किया है कितना काम आया है, पूरा काफी है या नहीं है, कुछ और दिन ऐसा करने की बात है ताकि हम सब के लिए सेहत अच्छा हो। तो वो सोच रहे हैं, वो हमको बताएंगे। वो हमको करते करते बीच में तो दुविधा है या डाउट है तो पूछें, तो आपकी दोस्त हरनाथ जैसे मुझसे बात किया है, या आप पुलिस चाचा से पूछें तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जाके बताएंगे कि क्या है सॉल्यूशन, दिक्कत ना हो लेकिन रिस्क भी ना हो। और किसी से पूछा है मैं स्कूल कब जा सकता हूँ, ये तो हर कोई चाहता है छुट्टी हो, तो जब स्कूल होता है तो हम चाहते हैं छुट्टी हो, लेकिन जैसा छुट्टी होता हम स्कूल जाना पसंद करेंगे। लेकिन स्कूल में जाएं तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं, नजदीक होते हैं, तो रिस्क ज्यादा है। इसलिए एग्जाम भी सब लोगों को छोड़ दिया है और समर हॉलीडे सबको दे दिया है। और ओडिशा में अभी जून में 17 तारीख को स्कूल खुल रहे हैं, शायद मुंबई में भी और बहुत सारे जगह मेरे जगह में भी ऐसा समर लॉन्ग हॉलीडेज हो जाएंगे। अभी थोड़ा लॉन्ग छुट्टी लेते हैं ना, फिर स्कूल जरूर जाएंगे, खेलेंगे, मस्ती करेंगे, अभी तो सेहत अच्छा रखने की बात है। और मैं घर का खाना कब खा सकता हूँ, क्योंकि अभी घर बहुत सारे जो हैं वो क्लोज में हैं, तो लोग जो नजदीक हो तो रिस्क ज्यादा है, इसलिए सब दूर हैं। और खाना जो बना रहे हैं हमारे और साथी लोग, हरनाथ जैसे लोग और लोग बना रहे हैं, वो हमारे पास आ रहा है। तो जब अच्छा बन जाएगा, गवर्नमेंट हमको कह देगा सब नॉर्मल हो गए, तो हम सब फिर जाएंगे घर में खाना बनाएंगे, शेयर करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, मैं पेड़ के नीचे क्यों हूं, हमारे मेरे घर में क्यों नहीं, क्योंकि अगर घर सभी जो नजदीक हैं तो सब लोग बाहर आए, घर में भी रहें तो भी रिस्क ज्यादा है फैसने की, तो 1-2 मीटर हर किसी के पास से दूर रखने की जरूर मुश्किल है। इसलिए हम अभी टेम्पररी के लिए अब सभी लोग और बहुत सारे जगह पूरे इंडिया में, पूरे मुंबई में भी ऐसे अभी बहुत सारे लोग टेम्पररी शेल्टर में अभी सपोर्ट कर रहे हैं। कोई घर में है तो वो भी बाहर नहीं जा रहा है, वो भी बाहर जाके खेलें, कूदें, दुनिया देखें, बीच में जाएं, पहाड़ में जाएं, ये सब नहीं कर रहे हैं। सभी लोग घर में बैठे हैं और फिटनेस रख रहे हैं। तो आप भी जब अपनी जगह पे हो अपना फिटनेस का ख्याल रखें, दिन में 2 बार कुछ स्ट्रेचिंग करें, दिन में 2 बार ऐसा करें। और हरिनाथ जो आपको और इन्फॉर्मेशन देगा उनका पालन करें, और कोई डाउट हो तो पुलिस चाचा से पूछें। और मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, मुंबई पुलिस जो इतना सब काम कर रहा है, और मुंबई में अभी धारवी जैसा भी है, बहुत सारा ज्यादा रिस्क वाली बात है, फिर भी उसको आप वहां के लोग संभाल रहे हैं, उन सभी सफाई कर्मचारियों को, हेल्थ ऑफिशियल को और पुलिस भाई बहनों सब लोग को मेरी तरफ से सब स्ट्रेंथ हो, अच्छा काम करें और संभालें और सबका हेल्थ ख्याल रखें, ट्रीटमेंट करें। मेरी तरफ से आपके लिए भी शुभकामनाएं। बच्चे लोग आप जो कर रहे हैं, पूरे 10 साल के बाद जब बड़े हो जाओगे तब भी इसको याद रखना कि पेड़ के नीचे हम सब रहे हैं, ग्राउंड में रहे हैं, मेरे एक नया देश बना, आप सबका एक नया दोस्त बना हरनाथ, ये याद रखें, ये तो याद रहेगा ही। और बस उतना ही बात, फिर कभी आपसे आपकी क्वेश्चन लेने की अवसर हो, या कभी मैं मुंबई आऊं तो आपसे मिलने की अवसर हो, मैं तो ये कामना करूंगा। और मेरी तरफ से आप सबके लिए वंस अगेन बेस्ट विशेस। अभी सेहत अच्छा रखें, बाद में फिर खेलेंगे। अभी पुलिस की बात सुनेंगे, फिर हम स्कूल जाएंगे। अभी हमारे बड़ों का भी हमको ख्याल रखना है, जो बच्चे लोग आप कहते हैं तो आपके बड़े लोग भी ज्यादा सुनेंगे और उसको पालन करेंगे। तो आप देश की अभी लीडर बन गए हो, तो आप जो करेंगे स्ट्रिक्ट करेंगे, 100% डिसिप्लिन करेंगे, पूरे दुनिया आप, पूरे देश आपकी बात सुनेगा। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। बाय बाय।